पार्टनर फिक। लाइफ पार्टनर फिक। हाय हाय। असाइनमेंट पूरा हो गया? हाँ हो गया। मेरा भी ऑलमोस्ट हो गया है। जग्गी जिन चक जग्गी। सेम टू सेम पिच। देखो आज मेरा बर्थडे है, तुम आकर केक काटोगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ। ए चिंचा, तुम्हारा बर्थडे केक काटने के लिए मैं क्यों आऊंगी? Who are you? You mean me? I'm a fan यार। सीलिंग फैन हो या टेबल फैन हो? देखो तुम मना मत करना, अगर तुमने पार्टी में आने से मना किया तो तुम्हारा ये फैन कॉलेज की बिल्डिंग से कूद कर आत्महत्या कर लेगा। हा? तुम मेरी साइड हो या सुसाइड की, डिसाइड कर लो। मुझे तो ये पागल लगता है, किसी भी तरह इससे पीछा छुड़ाओ। तुम्हारी फ्रेंड ने तुमसे कुछ कहा ना? क्या कहा इसने? ओके, मैं पार्टी में आऊंगी। बट वन कंडीशन। जल्दी बताओ, किसे बुलाना है, पीटना है या एक टांग पर खड़ा करना है? इतनी तकलीफ मत करो, तुम बस 3 दिन इसी तरह सेम टू सेम कलर की ड्रेस पहन कर आओ और सेम पिंच करो, बस उसके बाद तुम जहाँ बोलोगे वहाँ आ जाऊंगी। ओके चलो। ये क्या यार, सेम कलर। चल ना, चल इनके मुंह मत लग। हाँ बोलिए भाई। अबे काम तो कहीं के, तुमने कौन सा कलर बताया था? पर्पल कलर भाई, घर से वही पहन कर निकली थी वो। कैसा रहा पंच? तुमने यही सोचा था ना कि 3 दिन तक मेरी ड्रेस का कलर पता करवा कर सेम पिंच करके मुझे बेवकूफ बना दोगे? तुम्हारी चाल समझ में आते ही मैं फ्रेंड के घर गई और ड्रेस चेंज कर ली। लड़की से पिटकर यहाँ पड़ा हुआ है। मेरी बात तो पूरी होने दो। hey, कहानी मत सुना, जल्दी बता आगे क्या हुआ। तूने हमारे भाई पर हाथ उठाया? सच्चे आशिक का दिल में दुखाओ, कह देता हूँ चुपचाप मेरे साथ चलो। बस यही हुआ भाई, वो शेर की तरह आया और भाई पर वार किया, फिर भाई कोमा में चले गए। कोमा में? हाँ भाई, उसको छोड़ना मत भाई, जान से मार देना। मेरे भाई को सेम पिंच का आइडिया किसने दिया? मैंने भाई। बेवकूफ, तो पहले तुझे मारना चाहिए उसे, नहीं आइडिया देगा आइडिया। तितली की तरह उड़ने वाला सूखे पत्ते की तरह पड़ा है भाई, तेरे साथ बाकी के मार खाने वाले कहाँ गए? वो सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। कौन है वो, यहाँ कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की? उससे तो मिलना ही पड़ेगा, ढूंढो उसे। डर गई ना बदमाश, कॉलेज छुट फिर बताती होगी। छोड़ना। अरे स्मिता, तुम कब आई बेटा? बस अभी आई आंटी। सॉरी बेटी, तुम्हें इसने डरा दिया ना? इट्स ओके आंटी। मैंने सॉरी कहा और उसने ओके कहा, ये तो रोज की बात है। ये तुम्हारी बॉडीगार्ड से कम नहीं है, असल में तुम्हें इसको थैंक यू कहना चाहिए। उस दिन उस भले इंसान ने तुम्हें वक्त पर नहीं बचाया होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। कुछ पता चला बेटी वो लड़का कौन है? आंटी, इसने हर जगह उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की, सबसे उसके बारे में पूछा, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, हर जगह उसे सर्च करती रहती है। बस कर, कॉलेज का टाइम हो रहा है। पता नहीं वो लड़का किस महान इंसान का बेटा है, भगवान करे वो सदा खुश। सुपर्ब। सर और करो। सर कंप्लेंट लिखवानी थी मुझे। ए तू आ जाना, बता। ए मार तो जरा पीछे से। नमस्ते सर। सर मेरी बेटी किडनैप हो गई है। हाँ, कितना उम्र है? 22 साल की है सर। तो एक और रेप केस है। ए 302 सर, बैटरी डाउन हो गई है, जरा चार्जर तो देना। अभी लाया सर। बता। हे मिस्टर, बता। मैं कब से बोले जा रहा हूँ कि मेरी बेटी किडनैप हो गई है और आप खेलने में लगे हुए हैं। बेटी का नाम क्या है? दिव्या नाम है उसका। उसके कोई फोटो है? हाँ ये लीजिए।
लड़की खूबसूरत है ना। अरे इसीलिए तो किडनैप किया होगा इसको। किडनैप की गई है या बारिश में किसी के साथ गुलछर्रे उड़ाने गई है, क्या बोलते हो? सामान संभाल करके बात कीजिए, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। आप चुप रहिए, यहाँ पुलिस स्टेशन में आपके जैसे माँ बाप के बहुत डायलॉग सुनते हैं, हमें मत सिखाइए। लड़कियाँ अपने किसी आशिक के साथ भाग जाती हैं और आप लोग आकर उसके किडनैप होने की कंप्लेन लिखवाते हैं और हम लोग पागलों की तरह टॉर्च लेकर उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। हमें क्या आपने सिक्योरिटी गार्ड समझ कर रखा है? पुलिस है। सुपर सर। क्या रे, बहुत सुपर डायलॉग मारा है। ए, इसको बहुत चर्बी चढ़ गई है, उतारो इसकी चर्बी। सर देखिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ सर, मेरी बेटी को ढूंढ लाइए प्लीज सर। सर अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? मैं मारूंगा तो सर फूट जाएगा, चल भाग। बहन से मिलोगे तो राखी और मिठाई मिलेगी, मंदिर में जाओगे तो पंडित से प्रसाद पाओगे, धर्मात्मा के पास जाओगे तो धर्म का उपदेश मिलेगा, पर टाइसन के सामने आओगे तो मार मार ही मार खाओगे। याद रखना। ऑटो
इन्हें इनके घर तक छोड़ दी। ठीक है सर।